हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा ऑनलाइन पोर्टल। आज हम मेलोनवस्की के कुलारिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कुलारिंग क्या होता है, कहाँ पे होता है, इस सिस्टम में क्या है, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मेलोनवस्की के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेलोनवस्की हैं, जिनका पूरा नाम ब्रोनिस्लो कैस्पर मेलोनवस्की है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1942 ईस्वी में हुई थी। ये पोलैंड के रहने वाले थे। इनको ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, यानी ब्रिटिश मानवशास्त्र के पिता माने जाते हैं। मेलोनवस्की के साथ साथ रेडक्लिफ ब्राउन को भी ब्रिटिश मानवशास्त्र का पिता माना जाता है। मेलोनवस्की जी ने ट्रोबियंट आइलैंड पे अपना अध्ययन किया था। ये ट्रोबियंट आइलैंड न्यूजीनिया नामक जगह के पास में स्थित है। इन्होंने अपने अध्ययन पे जो बुक लिखी है या प्रकाशित कराई, उसका नाम है ऑर्गेनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में आई थी। ये ऑर्गेनॉट्स ऑफ पैसिफिक 1922 में, इस पुस्तक में उन्होंने कुला के बारे में बताया है। ट्रोबियंट आइलैंड पे जो अध्ययन किया गया है, वो अध्ययन उन्होंने कुला सिस्टम के ऊपर किया है। ट्रोबियंट आइलैंड पे इन्होंने और भी पुस्तक लिखी हैं, जैसे सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, जो 1929 में है, एंड कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, ये 1935 में। अब बात करते हैं कुलारिंग के मीनिंग की। ये जो ट्रोबियंट आइलैंड की अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, उसमें गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम को कुला बोला जाता है। अब बात करते हैं कुलारिंग की, कि रिंग जैसे गोल होती है, उसी तरीके से ये गिफ्ट सर्कुलर पैटर्न में एक्सचेंज होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर पैटर्न ऑफ एक्सचेंज सिस्टम को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कुलारिंग। कुलारिंग में दो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। एक तो जैसे आर्म बैंड है, जो हाथ में पहनते हैं हमने औरतें पहनती हैं, कई जगह आदमी भी पहनते हैं। एक नेकलेस जो गले में पहना जाता है, ये जैसे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे ये है, ये आर्म बैंड हो गए और ये नेकलेस हो गया। बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं जो एक्सचेंज की जाती हैं। अब जैसे देखें, इनके ऊपर एक चीज़ है कि जैसे बता, ये हैं, ये एक तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, एक क्लॉकवाइज घूमती है। जो नेकलेस है ना, नेकलेस ये वाला, ये घूमता है क्लॉकवाइज। खड़ी कैसे घूमती है, इस टाइप से, ये हुआ। और जो आर्म बैंड है, वो घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज। देखिए, ये एक रिंग टाइप में बनता है, ये एक तरह से सर्कल बना रहा है, इसीलिए इसको रिंग कहते हैं। अब बात करते हैं ये गिफ्ट एक्सचेंज जो करते हैं, क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है ये सब करने का। ये ट्रोबियंट आइलैंड के लोग साल में दो बार एक कैनो लॉन्च करते हैं। कैनो मीन्स एक नाव, एक छोटी नाव जिसमें बैठकर इधर से उधर जाया जा सकता है।
ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जो जाते हैं ना, वो एक इसी नाव में बैठकर जाते हैं। वे वहाँ जाकर गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ये जैसे बार्टर, बार्टर का मतलब है एक्सचेंज, यानी मैंने आपको कोई चीज़ दी, उसके बदले में आप मुझे कुछ चीज़ देंगे। ये एक सेरिमोनियल एक्सचेंज होता है। ये नहीं कि जब मन किया मुंह उठा के चल दिए किसी के भी घर पे, ये किसी ओकेजन पे होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक एकजुटता को बढ़ाना, और अगर ग्रुप में कोई मन मुटाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको दूर करने के लिए होता है। गिफ्ट एक्सचेंज होने वाली चीज़ों को ये अपनी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है इनकी, ये भाषा है, उसमें ये आर्म बैंड को मुआली बोलते हैं और नेकलेस को ये सोलावा बोलते हैं। ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे घूमते थे, जिससे एक सर्कल बन जाता था, इसीलिए इसको रिंग कहते हैं। ओके, ये मेलोनवस्की का कुला रिंग था। इस टॉपिक के बारे में अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।